स्वास्थ्य अधिकारी के संरक्षण में पूरे गया जिले में कुकुर मुते की तरह निजी अस्पताल खुले हैं, जहां दलालों के द्वारा गरीब परिवार के लोगों को सस्ते दाम पर इलाज कराने के नाम पर फंसाया जाता है। तत्कालीन मामला प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गया का है। उक्त अस्पताल में आशुतोष कुमार ने अपनी मां का हर्निया का इलाज कराने किसी दलाल के कहने पर चले गए थे, जहां हर्निया के ऑपरेशन में रोग के परिजनों को लूट लिया गया है। मामूली ऑपरेशन में पहले तो केवल 30,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन जब मरीज का ऑपरेशन हो गया तो परिजन हाथ में 90,000 का बिल केवल ऑपरेशन का दिया गया। दवाओं का चार्ज अलग 60,000 रुपए का दिया गया। उसके बाद भी मरीज पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुई। कि 1 मई 2023 को हम अपने माताजी का ऑपरेशन प्रकाश मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में, किस बीमारी से ग्रसित थे, ये हॉर्निया का ऑपरेशन था, तो मैं उन्हें कराने गया। ठीक है ना, मुझे किन्हीं ने बताया कि वहाँ करा लीजिए, तो मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं वहाँ ऑपरेशन के लिए सब कुछ देखा, तो पहले उन्होंने बताया कि 40,000 रुपये लगेगा। ठीक है ना, और बताया कि दवा का लगेगा अलग से। मैंने बोला ठीक है। जब मैं सब कुछ पैसा जमा कर दिया 40,000 रुपया, और उसके बाद पता चला कि डॉक्टर जेपी सिंह, उनका खुद का हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का प्रकाश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डीएम रेजिडेंस के अपोजिट है। ठीक है ना, वहाँ ये बनाए हुए हैं और हर तरह के डॉक्टर वहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या क्या है ना, कि वहाँ जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं उनके पास नॉलेज की कमी है। ठीक है ना, कोई बी फार्मा हमें नहीं लगता है कि बी फार्मा होगा। अगर सिविल सर्जन का जाँच करें पूर्णतः ढंग से, तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट पकड़ा जाएगा। हमने वहाँ पैसा जमा किया, और पैसा जमा करने के बाद माँ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ उसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया। कितने दिन? 3 दिन आईसीयू में रखा गया। मैंने पूछा कि सर ये कौन सा ऑपरेशन की आईसीयू में रखा गया है, यहाँ तो कोई ना कोई झोल था। तो उन्होंने आईसीयू में रखा 3 दिन, और उसके बाद बताया, उन्होंने बताया कि आईसीयू में हम लोग रखते हैं। मैं सोचा कि हो सकता है नया हॉस्पिटल है तो भाई रखे हैं। पहले तो बताया कि उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो भी है आपका 40,000 में सारा चीज़ हो जाएगा। मैंने 40,000 रुपये जमा कर दिया था। उसके बाद 3 दिन आईसीयू में रहे, 4th दिन इन्हें नॉर्मल बेड पे लाया गया। वहाँ जब लाए तो जब इनके यहाँ जो भी एनएम है, एएनएम है, जो भी जीएनएम है, नर्सिंग स्टाफ, किन्हीं को एक इंजेक्शन लगाने नहीं आता है। किट कट लगाने में कम से कम एक हाथ में 50 छेद हैं। जब ये चीज़ मैंने कंप्लेंट डॉक्टर जेपी को किया, तो उन्होंने सबसे पहले एक अभद्र बात के बाद बोला कि एक क्या 100 छेद हो सकता है, ये कौन बड़ी चीज़ है आप बोल रहे हैं, इस तरह की बात। हाँ, इस तरह की बात बोले हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर किया कि चलो भाई कोई दोस्त भेजा था उसके पास, तो मैं उनके पास गया। उसके बाद हमने दवा का जब देखा, तो दवा मुझे बाहर से भी अवेलेबल हो रहा था, मेरे कुछ मित्र के भी मंडी में दवा है, अपने भी कुछ हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो मैंने इंजेक्शन लेने गया। जो इंजेक्शन का कीमत हॉस्पिटल 960 में है, वो मुझे बाहर 250 मिल रहा था। तो मैंने दवा लाया, तो उन्होंने इस पर भी इग्नोर किया कि मैं ये दवा देने नहीं दूंगा, और उन्होंने अपने सभी स्टाफ को मना कर दिया। मैं उनका कहना था कि मेरे हॉस्पिटल से दवा लीजिए, दवा लीजिए जी, उन्होंने बोला कि मेरे हॉस्पिटल दवा लीजिए, और उन्होंने हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं पे वो बताना शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला कि सर माँ को खाना कब दें, तो 6 दिन तक तो इन्होंने खाना नहीं देने दिया, जबकि गैस पास 3rd दिन हो गया था। ठीक है, तो मुझे कुछ डाउट लगा, तो मैं अपने कुछ सहपाठी जो मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर बी डी शर्मा हैं, मैं वैसे उन लोगों से कुछ संपर्क किया। उन्होंने मुझे कोई एक दो अच्छे डॉक्टर के नंबर दिए कि एक मित्र है।